स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर और मैं हूं शिव कुमार यादव। आज हम आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बीएससी के लिए टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट वन है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, कैथोड किरणों के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो लिखा है सीधी रेखा में कैथोड की तरफ चलती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऋण आवेश रहता है, उच्च परमाणु वाले धातु से टकराकर यक्ष किरणें उत्पन्न करती हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो याद रखिएगा कि सीधी रेखा में तो चलती है लेकिन कैथोड की तरफ नहीं, कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती है। तो यही यहाँ पर गलत बोला है, इसलिए ये बात आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, बाकी आपका सब सत्य है। अगला हमारा है कार्बन परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। तो लास्ट में ये पी वाला अगर हम कोश यहाँ पर बनाएंगे तो उसमें तीन कक्षक होगी जिसमें दो इलेक्ट्रॉन अगर हम भर देंगे तो देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ये दोनों के पास युग्म, मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो युग्म बनेगा। तो अगर इन दोनों के पास युग्म नहीं बना, इसका मतलब इसमें कई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Na प्लस किसका सम इलेक्ट्रॉनिक है? मतलब जितना Na प्लस में इलेक्ट्रॉन है उतना ही और किसमें इलेक्ट्रॉन होगा। Li का परमाणु क्रमांक 3 होता है तो Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं। यहाँ पे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है और इसका 11 होता है तो भी यहाँ कोई समानता नहीं दिखेगी। बेरियम का परमाणु क्रमांक तो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसका भी कोई मतलब मेल जोल नहीं। यहाँ मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, सोडियम का 11। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 10 पहुंचेगा और मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 10 पहुंचेगा, अर्थात दोनों समान इलेक्ट्रॉनिक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा है मौलिक कण क्या। मौलिक कण है जल अणु है कि फिर ऑक्सीजन अणु है, अल्फा कण है कि प्रोटॉन है। तो याद रखिएगा मूल कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर आपका प्रोटॉन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, परमाणु क्रमांक 29 का तत्व होगा, एस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, यहाँ पी लिखना चाहिए, पी ब्लॉक का कि फिर डी ब्लॉक का कि फिर एफ ब्लॉक का। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यहाँ पर तो इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी कोष में जाएगा, इसीलिए परमाणु क्रमांक 29 का तत्व जो है वो डी ब्लॉक का होगा। और परमाणु क्रमांक 29 जिसका नाम है वो कापर है और कापर डी ब्लॉक का तत्व होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, फ्लोरीन, ठीक है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता 4 होती है। जब बर्फ पिघलती है तो इसकी एंट्रॉपी क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, शून्य हो जाती है, स्थिर रहती है। देखिए एंट्रॉपी क्या होता है, किसी भी चीज़ के अनियमितता में परिवर्तन एंट्रॉपी कहलाता है। और जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ के अणु दूर दूर होने लगते हैं और दूर दूर होने के बाद उनमें जगह अधिक होती है और जगह अधिक होने के बाद अनियमित होने लगते हैं। ठोस अवस्था में अणु जो होते हैं पास पास होते हैं, यही कारण है कि अनियमितता ज़्यादा बढ़ती है तो एंट्रॉपी भी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? तो न्यूट्रॉन जानने के लिए परमाणु भार में से द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन निकाल लीजिए, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। एक में से गया 0, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर, यश कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार, डमरू, डी डमरू और इनमें से कोई नहीं। तो यश कक्षक गोलाकार होता है, डमरू आकार का पी कक्षक और डी डमरू आकार का डी कक्षक होता है। निम्न में से कौन उभयधर्मी है, K2 पोटेशियम ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड इसलिए क्षारी होगा, CO2 अधातु ऑक्साइड अम्लीय होगा, तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली L2, ये भी धातु ऑक्साइड है लेकिन इसमें उभयधर्मी का गुण होता है, ये बात याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको BSc एंट्रेंस एग्जाम के अलग अलग सब्जेक्ट के और वीडियोज हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।